सब्सक्राइब करें चंद्रहास सर चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा आप देख रहे हैं सीरीज चल रहा है छोड़ दो या फोड़ दो, अब की बार बोर्ड में 95 पार। तैयारी पूरी जोर शोर से चल रहा है, आप लोग को प्रीवियस 2 चैप्टर दे चुका हूँ, अगला चैप्टर आपके पास पॉलीमर आ रहा है। पॉलीमर 3 मार्क्स आएगा निश्चित तौर पे बोर्ड पे, और ध्यान रहे केवल 5 क्वेश्चन ही काफ़ी है। 5 क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, ये 5 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन 3 नंबर की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग जाए मेरा वीडियो तो वो बगल में जो लाइक का बटन है वो जरूर दबाना है आपको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरे लिए जरूर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पॉलीमर चैप्टर के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आने जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल। लिखेगा कंडीशन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ फर्स्ट, ये आपके पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। जरा समझना ध्यान से, फर्स्ट पार्ट आपके पास आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछता है होमोपॉलीमर। ये लिखेगा होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना है क्या है होमोपॉलीमर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, ये है आपके पास इथीन। अगर आप एन नंबर ऑफ इथीन लेंगे तो ये इथीन मिलके बनेगा पॉलीथीन। क्या बनेगा? पॉलीइथीन। और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे एन टाइम्स लगेगा। तो यहाँ मोनोमेरिक यूनिट सेम टाइप है, इथीन। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट होगा तो कहलाएगा होमोपॉलीमर, मतलब पॉलीमर विच इज फॉर्मड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। क्लियर, लिख लेंगे आंसर। दूसरा है कोपॉलीमर। अगर आप देखते हो कंडीशन, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ ब्यूना एस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्यूना एस। अगर ब्यूना एस देखेंगे आप तो ब्यूना एस का मोनोमर जो होता है, ये दो मोनोमर होता है, एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3 क्या लिख रहा हूँ ब्यूटाडाइन, और दूसरा जो लिख रहा हूँ आपके पास वो है स्टाइरिन। तो अगर आप स्टाइरिन देखोगे तो ये है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे एक H को हटा के बेंजीन लगा दो, ये बन गया स्टाइरिन। अब आप देखो दोनों के दोनों मोनोमर अलग अलग दिख रहे हैं, तो अगर दो डिफरेंट मोनोमर होगा तो ये कहलाएगा कोपॉलीमर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको पूछता है, डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, पहला वर्ड हो जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल भी क्लियर है। सेकेंड आपके पास जो डिफरेंस आएगा, जरा समझना ध्यान से, आपको पूछेगा नेचुरल, क्या बोल रहा हूँ, नेचुरल पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये बोलेगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो अगर आपके पास ये पूछता है नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, कैसे करेंगे आप? नेचुरल पॉलीमर नाम से लग रहा है नेचुरली ऑप्टेंड होगा, सो लिख रहा हूँ कंडीशन ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। लिख लेंगे, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डीएनए है बॉडी में, डीएनए बना हुआ है किससे? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये तो नेचुरली है माई डियर फ्रेंड्स, ये तो बॉडी के अंदर नेचुरली है, हम थोड़े बिल्ड कर रहे हैं, बाय बर्थ है, ठीक है ना। प्रोटीन है, एंजाइम्स है, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर है। सेल्युलोज प्लांट में होता है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक जो ऑप्टेंड होता है नेचुरल पॉलीमर से, जो ऑप्टेंड होता है, नाम लग रहा है सेमी मतलब हाफ, सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, हाफ होगा नेचुरल तो हाफ होगा क्या सिंथेटिक। जैसे सेल्युलोज ले रहा हूँ, सेल्युलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। अगर इसमें हम डाल देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ये लिख रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो सेल्युलोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड मिलकर क्या बन जाएगा, सेल्युलोज डाइएसिटेट, ये डाइएसिटेट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो बनेगा ये कहलाएगा सेमी सिंथेटिक। आप देखो ये केमिकल है और ये देखो ये आपके पास नेचुरल दिख रहा है, तो नेचुरल प्लस केमिकल मॉडिफिकेशन सेमी सिंथेटिक, हाफ नेचुरल और हाफ केमिकल मॉडिफिकेशन। बोला है समझ में। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके पास क्या आएगा, समझना ध्यान से कंडीशन। एक लिख रहा हूँ लीनियर पॉलीमर, क्या बोल रहा हूँ, लीनियर पॉलीमर और ब्रांच चेन पॉलीमर का डिफरेंस। ये लिख रहा हूँ आपके पास ब्रांच चेन पॉलीमर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे ISC बोर्ड के स्टूडेंट हों, सबके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लोग पूछते हैं कि सर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट को देखने के बाद कम से कम लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा आप लोग। देखिए इधर, लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर। लीनियर नाम से लग रहा है मतलब जब मोनोमेरिक यूनिट का अरेंजमेंट होगा तो इसमें किसी तरह का कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, अरेंजमेंट जो होगा वो लीनियर स्ट्रेट चेन होगा मोनोमर का। ब्रांच पॉलीमर में जब भी मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बीच बीच में आपको ब्रांचिंग दिखाई देगा, बोलो क्लियर है? ठीक है, सो बोल रहा हूँ कंडीशन की इन बिटवीन मोनोमेरिक लेयर जो होगा वो ब्रांचिंग सम स्पेस पे क्या दिखाई देगा, ब्रांचिंग दिखाई देगा। अब बात है सर एग्जांपल, लीनियर पॉलीमर का सबसे कॉमन एग्जांपल पॉलीथीन, अभी आप देख रहे थे इथीन, ये बनाएगा क्या, पॉलीथीन के अलावा भी आप बोल सकते हो ब्यूनाएस, पीवीएस, जो भी लिख सकते हो। एग्जांपल जरूर आपको याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ठीक है, और ये लिख रहा हूँ ब्यूनाएस, राइट। ब्रांच एंड पॉलीमर में जैसे हम लोग देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी देखा अमाइलोपेक्टिन, क्या लिख रहा हूँ अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच एंड पॉलीमर है। कैसे है ब्रांच एंड पॉलीमर वहाँ डिस्कस भी करूँगा। इसके अलावा ग्लाइकोजेन जिसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे के सारे ब्रांच एंड पॉलीमर हैं। तो आपको इस तरह का डिफरेंस एक पूछेगा, दूसरा डिफरेंस क्या पूछेगा आपके पास, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको इसी में डिफरेंस में। एक ही पहला क्वेश्चन चल रहा है डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग इलास्टोमर्स, क्या बोल रहा हूँ इलास्टोमर्स, और दूसरा लिख रहा हूँ फाइबर्स। अगर आप इलास्टोमर्स और फाइबर्स देखेंगे तो इसमें क्या केस बनेगा जरा समझना ध्यान से, बोल रहा हूँ इलास्टोमर्स और फाइबर्स। इलास्टोमर मोनोमेरिक यूनिट के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बोल रहा हूँ कंडीशन कि वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। लेकिन फाइबर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोनोमेरिक यूनिट लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्लियर है, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, बोला आया समझ में दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बोल रहा हूँ कंडीशन इलास्टोमर में द मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ फाइबर्स द मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देखो, अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे इलास्टोमर्स नेचुरल रबर, इसका एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ नेचुरल रबर जो है वो इसका एग्जाम्पल है इलास्टोमर का, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको ब्यूनाएस दिखाई देगा, कॉमन एग्जाम्पल ब्यूनाएन दिखाई देगा, ये सब फेमस एग्जाम्पल हैं सब, ठीक है। अब है फाइबर्स का एग्जाम्पल, जैसे लिख रहा हूँ नाइलॉन 66, अभी आगे बताऊँगा अभी नाइलॉन 66। इसके अलावा लिख रहा हूँ कंडीशन पैन PAN, ठीक है, पॉली एक्राइल और नाइट्राइल, तो ये सारे के सारे एटसेट्रा जो भी होंगे वो फाइबर्स होंगे, बराबर बात। अब अगला आपको डिफरेंस जो पूछेगा, देखना ध्यान से, आपको अगला डिफरेंस जो पूछा जाएगा वो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये लिख रहा हूँ आपके पास नेक्स्ट डिफरेंस बोल रहा हूँ थर्मोप्लास्टिक, ये है आपके पास क्या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और एक लिख रहा हूँ क्या थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये है आपके पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, अगर आप देखेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स में था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फाइबर्स में था, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो किस में होगा थर्मोप्लास्टिक। सो लिख रहा हूँ कंडीशन मोनोमेरिक यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में इंटरमीडिएट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बनाएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, क्लियर है। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर की अगर बात करेंगे तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर हार्ड होते हैं, इनफ्यूजिबल होते हैं, एक बार अगर मोल्ड हो गया तो आप दोबारा उसको रीयूज नहीं कर सकते, यह है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का बहुत फेमस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेकेलाइट, ये लिख रहा हूँ तेरे को इसका एग्जाम्पल क्या बेकेलाइट, या फॉर्मल डिहाइड रेजिन, ये लिख रहा हूँ फिनोल फॉर्मल डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। तो ये सब सारे जो हैं वो थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ पॉलीप्रोपाइलिन वगैरह जो है, लिख रहा हूँ कंडीशन यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन, ये है पॉलीप्रोपाइलिन, तो ये सब जो है वो एग्जाम्पल है किसके थर्मोप्लास्टिक। तो डिफरेंस में पांच क्वेश्चन आपने देखा, छठा क्वेश्चन जो डिफरेंस का बनेगा बच्चों वो बनता है एडिशन पॉलीमर, डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ये लिख रहा हूँ क्या डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमर एंड लिख रहा हूँ क्या कंडेंसेशन पॉलीमर, ये आपके पास लिख रहा हूँ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन आपके पास जरूर बनेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एडिशन पॉलीमर क्या है, एडिशन पॉलीमर
जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास, ये मोनोमेरिक यूनिट है आपके पास, ये है मोनोमेरिक यूनिट। जब एन टाइम्स ऑफ मोनोमर इथीन का कंबाइन करेगा तो ये बनेगा पॉलीथीन। अभी बता रहे थे कंडीशन कि ये आपके पास बनेगा पॉलीथीन, लेकिन ध्यान रहे कि एडिशन पॉलीमर में किसी तरह का कोई बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। और नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन पॉलीमर इज, आप बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ नायलॉन 66, ये नायलॉन 66, ये भी क्वेश्चन है बोर्ड में, 66 क्या स्टैंड करता है? 66 का मतलब है कि नायलॉन 66 जो है ये दो मोनोमर से बना हुआ है, और दोनों के दोनों मोनोमर जो हैं ये 6 कार्बन के हैं। तो अगर आप नायलॉन 66 का मोनोमर देखोगे तो ये हेक्सामिथिलीन 16 डायमीन, ये है आपके पास NH2, ये NH2 कंडीशन है, और हेक्सामिथिलीन, ये मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप जो है वो 6 बार हेक्सामिथिलीन, और 1 पे भी अमीन इधर और इधर 6 पे भी अमीन। ठीक है। और ये है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होगा देखो, इधर एडिपिक एसिड जैसे आप लिख रहे हैं COOH, ये है आपके पास, और यहाँ पे CH2 का होल 4, तो 4R15, और इधर भी एसिड, ये COOH। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है NH2, यहाँ से इसका OH और H निकल के क्या निकलेगा, H2O, और H2O निकलने के बाद ये बनेगा आपके पास क्या, नायलॉन 66। तो जहाँ NH2 दिख रहा है वहाँ बचेगा NH, जहाँ NH2 दिख रहा है वहाँ क्या बच जाएगा, NH, और ये CH2 का क्या आ जाएगा, हॉल 6, और ये आपके पास आ जाएगा NH, और ये बनेगा CO, और ये CH2 का हॉल 4, और जहाँ COOH है लास्ट में टर्मिनल पे वहाँ CO ग्रुप बचेगा, यहाँ लास्ट में टर्मिनल पे CO ग्रुप बचेगा, और इसका होल एन लगा देंगे। बोलो क्लियर है? ये है नायलॉन 66। तो आपने देखा यहाँ पे नायलॉन 66 में बाई प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो कंडेंसेशन पॉलीमर आर दोज पॉलीमर इन विच आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ मोनोमेरिक यूनिट बाई प्रोडक्ट आर एलिमिनेट। बोलो क्लियर है? सम बाई प्रोडक्ट निकल सकता है, चाहे वाटर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे अमोनिया हो, इस तरह का कोई बाई प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। अब सुनो इधर कंडेंसेशन पॉलीमर में एक बात और सुनो, क्या नेसेसरी कंडीशन है? ये मोनोमेरिक यूनिट था, इसमें एक और एक दो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी देखो ये मोनोमेरिक यूनिट में दो फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये है बच्चों कि कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि मोनोमेरिक यूनिट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप। बोलो क्लियर है? और एडिशन पॉलीमर में यहाँ पे कंटेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए दोनों में डिफरेंस आ गया, या नो बाई प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट फॉर्म, राइट? तो ये आपको डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो आपने एग्जाम्पल भी देख लिया और ये भी देख लिया। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2016 बोर्ड का क्वेश्चन, लिख रहा हूँ कि राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अगर आप देखोगे तो इथीन का पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप लिख रहा हूँ चेन इनिशिएशन, ये लिख रहा हूँ चेन इनिशिएशन। अगर आप चेन इनिशिएशन का केस देखेंगे तो सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं C6H5 और CO, और ये लिख रहा हूँ C6H5, ये आपके पास कंडीशन है परऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रिज, और ये CO और C6H5 बेंजोइल परऑक्साइड। देखो क्या होगा, यहाँ दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सेम होगा तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इक्वल ब्रेकिंग होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, मतलब ये बनेगा C6H5 और ये CO, और O फ्री रेडिकल बनेगा, और इसका दो मोल, एक मोल इधर और एक मोल इधर। क्लियर है? अब क्या होगा ना, देखो यहाँ फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो जब भी फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होने की वजह से यहाँ से टूटता है, CO2 निकलता है, और CO2 न्यूट्रल निकला, फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो न्यूट्रल अगर ये निकला तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकला एक, तभी तो 8 हो गए होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, तो ये बना 2C6H5 और ये फ्री रेडिकल, ये बोलता है कंडीशन बेंजाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। बोलो क्लियर है? अब क्या होगा देखो, ये तो स्टेप नंबर 1 हुआ, अब स्टेप नंबर 2 लेके आ रहा हूँ, ये आपके पास आ रहा है स्टेप नंबर 2। पहला था क्या, चेन इनिशिएशन, स्टेप 2 लिख रहा हूँ चेन इलोंगेशन या प्रोपगेशन भी बोला जाता है, चेन इलोंगेशन। अगर आप चेन इलोंगेशन देखेंगे क्या होगा चेन इलोंगेशन का केस, ये आपके पास बन चुका है C6H5 फ्री रेडिकल, ये बन चुका है। अब आप एल्कीन ले लो, ये इथीन चाहिए आपको, इथीन का पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, जरा देखो ध्यान से, यहाँ कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा।
अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आपको बताया था, कार्बोकेटाइन के पास 6, कार्बन फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इसके साथ, ये इसके साथ, दोनों का ऑक्टेट पूरा होगा और म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब ये बनेगा C6H5, ये बन जाएगा और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ये CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल बन गया, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक मोल और ले रहा हूँ ये एल्किन, इस तरह से एक मोल और ले रहा हूँ, इस तरह का कंडीशन। अगर एक मोल और एल्किन लेंगे आप, फिर से सेम कंडीशन यहाँ बनेगा, देखो इधर ध्यान से, ये इधर चल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर चल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, बराबर बात। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये बनेगा आपके पास C6H5, ठीक है। दो दो मोल लेने चल दिया आप, अगर दो मोल का किस है तो C6H5, और ये बनेगा आपके पास CH2 और ये CH2, और ये दोनों फ्री रेडिकल बना लिया, ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, और ये बचेगा CH2 फ्री रेडिकल। अब आप देखो अभी भी यहाँ पे CH2, ये CH2 फ्री रेडिकल यहाँ भी है, तो आपने जो CH2 जोड़ा एक जुड़ गया ना ये। अब अगर ये n टाइम्स लेंगे, अगर n टाइम्स आप एल्किन लेंगे तो यहाँ पे n टाइम्स जुड़ेगा ये, तो ये बनेगा क्या 2C6H5, और ये जुड़ेगा आपके पास CH2, ये जुड़ा CH2 और ये CH2, और इसका n टाइम्स जुड़ेगा ये, और इधर बचेगा CH2 और फ्री रेडिकल ये आपके पास आएगा, क्लियर। ये आपके पास हुआ चेन इलोंगेशन। अब आपके पास आएगा चेन टर्मिनेशन, जरा समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर 3 चेन टर्मिनेशन, ये आपके पास चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन अगर आप देखेंगे रियली ना, तो चेन टर्मिनेशन में दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कॉम्बिनेशन, क्या बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन, क्या होगा कॉम्बिनेशन में, जैसे आपके पास ये दो मोल बन चुका है, ये बना C6H5 और ये आपके पास CH2, और CH2 का बन रहा है क्या होलेन, और CH2 और CH2 फ्री रेडिकल, एक मोल ये हुआ। दूसरा मोल आप ले लीजिए इसका, ये है CH2 फ्री रेडिकल, और ये लिख रहा हूँ CH2, और ये इसका होलेन, मतलब CH2 और CH2 का क्या लिख रहा हूँ होलेन, और ये है C6H5, ये है C6 और H5, ये आपके पास लिया। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, 7-7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, और कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा इस तरह से C6H5, और ये आपके पास बनेगा CH2 और CH2 का होलेन, और ये CH2 और CH2, ये दोनों मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा म्यूचुअल शेयरिंग से, CH2 और CH2 का क्या लिखेंगे आप होलेन, और ये C6H5, ये तो ये आप क्लियर। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन जो इसमें होता है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जरा आप समझना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। सेकेंड रिएक्शन इसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी में थर्ड स्टेप के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपके पास दो मोल था, ये दो मोल बन चुका है, देखो आप दो मोल है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे C6H5, और ये है CH2, और CH2 का क्या लिखेंगे होलेन, और ये आपके पास है CH2 और CH2 फ्री रेडिकल, बराबर बात, ठीक है। आप इसी का दूसरा मोल लीजिए, दूसरा मोल लेंगे अगर आप, ये है CH2 का क्या लिखेंगे आप होलेन और C6H5, जरा समझना ध्यान से क्या होगा कंडीशन, ये फ्री रेडिकल आपके पास है एग्जैक्टली, यहाँ क्या होगा, ये बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, ये H है, यहाँ से अगर मैं इक्वल ब्रेकिंग कराता हूँ होमोलाइटिक क्लीवेज, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जाता है बगल वाले पे, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बचेगा, और ये जो फ्री रेडिकल बचा ये दोनों मिलकर यहाँ फ्री रेडिकल शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये बनेगा C6H5 और CH2 का होलेन, और ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड, मतलब CH डबल बॉन्ड क्या बना देंगे CH2 बना देंगे, प्लस अगला क्या बनेगा, देखो एल्कीन बन गया आपके पास, ये इथीन मिलके पॉलीथीन, अब ये जो H फ्री रेडिकल है वो इसके साथ जाके शेयरिंग करेगा और ये CH3 बना देगा, मतलब ये बनेगा CH3 और CH2, और ये बनेगा आपके पास क्या CH2 का होलेन, और ये C6 और H5, आप देखो एल्कीन बना और ये एल्कीन बना, बोलो क्लियर है, तो ये आपको इस तरह से पॉलीथीन बनेगा। तो तीन स्टेप में आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा माय डियर फ्रेंड्स। दो नंबर का क्वेश्चन है, एकदम एज इट इज लिखिएगा, आप कहेंगे सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया, गारंटेड क्वेश्चन भी दिया और सॉल्यूशन भी दिया, वरना लोग तो PDF डाल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा अभी तक देखते हुए, तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। और एक बार और रिमाइंड कर दूं, अगर आपने बेल आइकन को अगर नहीं क्लिक किया होगा तो बेल आइकन को जरूर बगल में क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल पर दिखाई दे। थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट द नेम स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर्स, जरूर क्वेश्चन बनेगा, जिसमें फर्स्ट लिख रहा हूँ पॉलीथीन,
पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, नाम से लग रहा है इथीन, बहुत सारे इथीन मिलकर बनाएंगे पॉलीथीन, और इथीन का स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉलीथीन का यूज करते हैं इंसुलेटर में और पैकिंग मटेरियल के रूप में, पैकिंग मटेरियल के रूप बनाने में, ठीक है। अगला लिख रहा हूँ पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन देखेंगे तो नाम में लग रहा है प्रोपीन, तो इसका मोनोमर है प्रोपीन, और प्रोपेन प्रोपीन लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब 1 2 3 प्रोप 1 ईन, क्लियर है। इसका यूज करते हैं पाइप बनाने में और टॉय वगैरह खिलौना जो बनाते हैं, फाइबर जो बनाते हैं, इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट लिख रहा हूँ पॉलीविनाइल क्लोराइड, मोनोमर नाम से लग रहा है विनाइल क्लोराइड, तो आपने इथीन अभी लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H को हटा के CL लगा दो, कहलाएगा विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और विनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं जो हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड का, वो रेनकोट बनाते हैं या हैंडबैग वगैरह जो बनाते हैं उसको में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट लिख रहा हूँ पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन में नाम लग रहा है स्टाइरिन का, बहुत सारा पार्ट है पॉलीस्टाइरिन, तो मोनोमर स्टाइरिन। स्टाइरिन में क्या करना आपको, ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एच को हटाकर यहाँ बेंजीन लगा देना है स्टाइरिन, याद रह जाएगा, क्लियर है। याद रखने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, यह इन यूज करेंगे इसका इंसुलेटर में और हाउस होल्ड आर्टिकल जो बनता है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख रहा हूँ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का अगर आप देखेंगे मोनोमर तो टेट्राफ्लोरोइथीन, आप इथेन लिख रहे, इथीन लिख रहे थे CH2 CH2, टेट्राफ्लोरो करना है, चारों हाइड्रोजन को हटा के चार फ्लोरिन जोड़ दो, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में और कुकिंग वेयर्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पान के नाम से या इसको ओरलोन भी बोला जाता है, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में लग रहा है कि एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर है, मोनोमर एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली हटा दो। अब एक्राइलोनाइट्राइल में कैसे याद रखोगे, यह एल्किन CH2 CH2, एक एच को हटा के लगा दो CN, तो कहलाएगा एक्राइलो नाइट्राइल, क्लियर। एक एच को हटा के CN लगाया विनाइल क्लोराइड, एक एच को हटा के इथीन में अगर लगा दिया बेंजीन तो स्टाइरिन, और इथीन में ही अगर एक एच को हटा के CN लगा दिया तो एक्राइलो नाइट्राइल, याद रहेगा। इसको हम लोग यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर और उल बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉली मिथाइल मिथाइक्राइलेट, नाम से लग रहा है मिथाइल मिथाइक्राइलेट जो है मोनोमर है, यह है मिथाइल मिथाइक्राइलेट, ये फॉर्मूला आपका मिथाइल मिथाइक्राइलेट। अगर आप इसको देखोगे तो ये CH2 CH2 है, तो ये इधर दोनों H को हटा के इधर एक तरफ लगाएंगे CH3 ग्रुप और एक तरफ CO CH3 ग्रुप, ये कहलाएगा एक्राइलेट, ठीक है। अब देखो इधर इसका मेकिंग है डेकोरेटिव मटेरियल जितने भी होते हैं प्लास्टिक वगैरह के, उसमें यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिख रहा हूँ नियोप्रिन, नियोप्रिन अगर देखेंगे तो इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रिन, ठीक है। नियोप्रिन नेचुरल रबर, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन अगर आप देखते हो कंडीशन तो क्लोरोप्रिन के केस में क्या होगा आपका, क्लोरोप्रिन में आपके पास इस तरह का कंडीशन बनेगा। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो यहाँ डाई इन है, क्या बोल रहा हूँ, डाइन, डाइन अगर आप देखोगे इसका तो यहाँ पे इसका मेकिंग जो हम लोग करते हैं कन्वेयर बेल्ट जो बनाते हैं और प्रिंटिंग रोलर बेल्ट जो बनता है उसमें यूज किया जाता है इसमें। इसके बाद है ब्यूनाएस, ब्यूनाएस ब्यूना दो का बना हुआ है, ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टेरिन, ध्यान रहे यहाँ से एक दो मोनोमर है जबकि इधर सब में एक ही मोनोमर थे। अगर सेम टाइप ऑफ मोनोमर होगा तो ये सारे के सारे होमोपॉलीमर होंगे, क्योंकि आपको ये भी पूछ सकता है किस तरह का एग्जांपल है, तो ये सब जो हैं ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, और ये जो दिख रहा है इसमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मोनोमर है तो ये कोपॉलीमर है, क्या होगा, कोपॉलीमर। तो आपको दे सकता है कि आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन सा होमोपॉलीमर है और कौन सा कोपॉलीमर है, ठीक है। तो अगर ब्यूनाइस देखेंगे तो ये बना हुआ है ब्यूटा 1,3-9 और स्टाइरिन से, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम लोग ऑटोमोबाइल टायर्स वगैरह जो बनाते हैं ना, टायर फुटवेयर जूते वगैरह उसमें यूज करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट है आपके पास ब्यूना एन, ब्यूना एन का मोनोमर है ब्यूटा 1,3 ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ दो डिफरेंट मोनोमर है, मतलब ये कैसा है, कोपॉलीमर है, ठीक है। यह है ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, बता चुका हूँ कि CH2 CH2 में एक एच को टैक्स CN लगा दो। इसका यूज करते हैं हम लोग वाटर टैंक बनाने में। नेक्स्ट लिख रहा हूँ नाइलॉन 6, परलॉन भी बोला जाता है, इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम साइक्लिक दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है आपके पास, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन और एक NH और CO ग्रुप है यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चर, इसको यूज करते हैं हम लोग फाइबर्स बनाने में, प्लास्टिक या कारपेट्स वगैरह जो घर में बिछाते हैं कारपेट बनाने में। अगला लिख रहा हूँ आपको नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 एडिपिक एसिड है, इसका मोनोमर है हेक्सामिथिलीन डायमिन, जरा देखो आप हेक्सामिथिलीन डायमिन और एडिपिक एसिड, ये है फॉर्मूला एडिपिक और हेक्सामिथिलीन डायमिन, दो फंक्शनल ग्रुप है, कंडेंसेशन पॉलीमर शो करेगा, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमर शो करेगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा, इसका यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने में और टायर इंडस्ट्री के अंदर। अगला लिख रहा हूँ टेरिलिन और डेक्रोन, इसका मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थेलिक एसिड, ये इथिलीन ग्लाइकोल और ये टेरिफ्थेलिक एसिड बेंजीन बना दिया और 1,4 पोजीशन पे COH टेरिफ्थेलिक एसिड जोड़ दिया, बाय फंक्शनल है, कंडेंसेशन पॉलीमर देगा, जिसका यूज है मेकिंग सेफ्टी बेल्ट और टेंट बनाने में, जो टेंट वगैरह लगता है, ठीक है। अगला है ग्लिप्टर और एल्काइल रेजिन,
ग्लिप्टर और एल्काइल रेजिन देखेंगे तो मोनोमर इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकोल जो ऊपर आपने देखा सेम है, थैलिक एसिड में कुछ नहीं है, बेंजीन सेम है, केवल 1-2 पोजीशन पे COH ग्रुप आ गया ये, तो ये बन गया थैलिक एसिड। जब 1-4 पे था तब ये कहला रहा था थैलिक एसिड, और 1-2 पे आ गया COH ग्रुप तो थैलिक एसिड। अब बाई फंक्शनल है ये, मतलब कंडेंसेशन शो करेगा, और दो डिफरेंट है मतलब को पॉलीमर होगा। इसका यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल में फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड प्लास्टिक एंड पेंट्स, राइट। नेक्स्ट अगला लिख रहा हूँ आपके पास मिलामाइन फॉर्मलडिहाइड रेजिन, ये पूछता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोनोमर इसी में दिख रहा है, फॉर्मलडिहाइड और मिलामाइन, ये फॉर्मलडिहाइड स्ट्रक्चर हो गया, ये है आपके पास मिलामाइन। कैसे याद रखोगे मिलामाइन देखो इधर, क्योंकि जेई एडवांस में भी अभी इंटीजर में क्वेश्चन बना हुआ था इस पे, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन मिलामाइन। यहाँ देखो बेंजीन की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 में अल्टरनेट पे नाइट्रोजन लगा दिया और जहाँ जहाँ कार्बन बच गया वहाँ NH2 जोड़ दिया, बस इतना ही ध्यान रखना। इसको देखो इन मेकिंग प्लास्टिक, इसके अलावा क्रोकरी जो टूटते नहीं है, अनब्रेकेबल होते हैं, जो प्लास्टिक वैसे देखते होगा ना पटक भी देते तो नहीं टूटता है, तो वो क्रोकरी बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखो क्या आएगा, बेकेलाइट। बेकेलाइट अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल इसका मोनोमर होता है, ये मोनोमर है। बेकेलाइट देखोगे अगर क्रॉस लिंक चेन होता है नोवेलैक का, अगर इसको आप हटा देते हो नीचे से, ये हटा देते हो और यहाँ केवल आप जोड़ देते हो OH, ठीक है ना, CH2OH, तो इस कंडीशन में ये लीनियर चेन बनेगा, लीनियर चेन कहलाता है नोवेलैक, पर ये क्रॉस चेन है, क्रॉस चेन कहलाएगा बेकेलाइट, ठीक है। इसका यूज करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाने के लिए। इसके बाद आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, शॉर्ट नोट्स भी इस पे आता है, जिसका एग्जांपल है PHBB, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सो कोविटा हाइड्रोक्सो वैलेरेट। सुनना मोनोमर इसका क्या है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, PHBV, इसका दो है मोनोमर, दो है तो को पॉलीमर बनाएगा। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये देखो 1, 2, 3, 4 ब्यूटान, 4 कार्बन का एसिड, 3 पे हाइड्रोक्सी, और 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ये पेंटानोइक एसिड है, ठीक है। इसका यूज करते हैं जो ऑर्थोपेडिक डिवाइस होते हैं, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं डिवाइस वगैरह प्लास्टिक के, उसको बनाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिवर्स क्वेश्चन बनता है। अभी तक आप देख रहे थे पॉलीमर का नाम दिया था, मोनोमर पूछ रहा था, उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा था, यूज पूछ रहा था। कभी कभी आपको क्या करेगा, पॉलीमर का स्ट्रक्चर दे देगा और उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, मोनोमर बताओ क्या होगा, तो कैसे सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट केस, कभी कभी पॉलीमर देगा मोनोमर पूछेगा, कैसे पहचानोगे देखो। जैसे एक दिया हुआ ये, यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक NH और एक CO। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, बाई फंक्शनल मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, और कंडेंसेशन होगा तो जनरली वाटर निकलेगा। अब वाटर निकालना नहीं है आपको, मोनोमर पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, प्रोडक्ट ही दिया हुआ पॉलीमर, मोनोमर पूछ रहा है, तो वाटर को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वाटर को, वाटर है H+ और OH-। इधर देखो दो जगह फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक टर्मिनल पे और एक बीच पे। नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे लगा दो पानी का पॉजिटिव, पॉजिटिव पे लगा दो पानी का नेगेटिव, तोड़ दो। इधर देखो आगे, यहाँ कार्बन और ये टर्मिनल पकड़ो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को चाहिए पानी का नेगेटिव, पानी का नेगेटिव मतलब OH, और नेगेटिव को चाहिए पानी का पॉजिटिव, पानी का पॉजिटिव क्या है H+। तो ये बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक NH2, CH2 का होल 6 NH2, और एक यहाँ से यहाँ तक बन गया। देखो कितना आसान तरीके से हमने निकाल लिया, क्लियर है, याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो दो दिख रहा है मोनोमर, कितना दिख रहा है, दो, बीच में कोई लिंकेज नहीं है, इसका मतलब वाटर नहीं निकल रहा है, यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। वैसे भी आपको पता है कि 5 कार्बन, अगर 6 कार्बन का दिखेगा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन दिखेगा, तो ये कैप्रोलैक्टम का केस है। किसका बोल रहा हूँ, कैप्रोलैक्टम, तो ये कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है, बोलो आया समझ में, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ कोई बाईफंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, बाईफंक्शनल नहीं दिख रहा है, तो केवल सिंगल बॉन्ड हुआ कन्वर्ट, मतलब डबल कन्वर्ट हो रहा है सिंगल में, तो इसका मोनोमर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन दिखेगा आपको, ये है CF2 और डबल बॉन्ड, और ये CF2 सिंगल है, क्लियर है, कोई कंडेंसेशन नहीं, मतलब ये एडिशन पॉलीमर है, मतलब टेट्रा फ्लोरो इथीन टेफ्लोन का केस है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऐसे पहचान में आपको आ जाएगा, कैसे देखो, ये आपको मिलामाइन दिख रहा है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि बेंजीन की तरह दिखेगा, अल्टरनेट पे नाइट्रोजन होगा और जहाँ कार्बन होगा वहाँ NH2 लगाना, और फॉर्मल्डिहाइड है ये CHO। अगर आप CHO देखेंगे, आप यहाँ पे इस तरह का कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये रिड्यूस होके रिएक्शन करता है CH2OH, तो जहाँ CH2 दिखेगा मतलब मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का केस है ये, बोलो क्लियर है। तो एक मिलामाइन, एक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा पॉलीमर। यहाँ देखो आप कैसे पहचानोगे इसको, यहाँ भी दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, टर्मिनल पे देखो OCO और यहाँ भी OCO, तो सेम काम करना है, बाई फंक्शनल है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब पानी ऐड करना है, कैसे, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव को पानी का पॉजिटिव और पॉजिटिव को पानी का नेगेटिव, यहाँ से ब्रेक कर दो ये।
यहाँ देखो टर्मिनल पकड़ो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव को चाहिए पानी का पॉजिटिव और पॉजिटिव को चाहिए पानी का नेगेटिव। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक बन गया ये टेरिप्थेलिक एसिड, और यहाँ से एक बन गया ये CH2 है, चाहे इधर भी है इथिलीन ग्लाइकोल, तो आपको दोनों मोनोमर मिल गया। बोलो आया समझ में? तो बहुत आसान इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। तो रिवर्स क्वेश्चन भी आपको पूछेगा। और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, केवल 5 क्वेश्चन, 3 नंबर की गारंटी। देखो इधर मार्स गारंटेड प्रोग्राम चल रहा है, आप एकदम बिल्कुल लास्ट तक देखा कीजिए वीडियो को। लिख रहा हूँ व्हाट इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, और दूसरा पार्ट इसी में डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, और थर्ड पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे नेचुरल रबर तो उसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन, या आइसोप्रीन आपके पास 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, इसका पॉलीमर बनाएंगे इन टाइम्स लेके, तो ये पॉलीमर बना नेचुरल रबर। यहाँ पे देखना क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन समझना सब लोग ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्डों का एडिशन पॉलीमर देगा, और एडिशन पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर तो हाफ इधर चलेगा। बोलो क्लियर है? यहाँ भी सेम फ्री रेडिकल को करेगा, हाफ इधर तो हाफ इधर चलेगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर बीच में एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। देखो बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, और जहाँ फ्री रेडिकल बचा वहाँ पे एन टाइम्स लग जाएगा। बोलो क्लियर है? अब अगर इसका वल्केनाइजेशन करना है, तो जब हम वल्केनाइजेशन करेंगे नेक्स्ट लेयर के साथ, तो हम जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सल्फर का क्रॉस लिंकेज बनाएंगे, इसको कहेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। मतलब सल्फर जो है वो ब्रिजिंग की तरह काम करता है, ठीक है ना, दो चेन के बीच में। अब इसका रोल क्या है सल्फर का, क्या पर्पस है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का, या रोल क्या है सल्फर का वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मेन पर्पस है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मजबूती देना, और इसके अलावा इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करना, इलास्टिक भी रहेगा और स्ट्रेंथ भी बनाएगा, मतलब उसको मजबूत बनाएगा। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।